Hi guys, you all are welcome to Azne Career Academy. Here we are going to discuss some important daily vocabulary from the Hindu and the Indian Express. If you are preparing for SSC banking MPC Talati and for IBPS AFO as well as PO and clerical exam, and these vocabulary are taken from the Hindu and the Indian Express. And along with this, we are going to take some reading class of uh, uh, daily GK current affair. So, without wasting our time, let's start this video. If you are new to the channel, then please do subscribe. इसमें हम ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं इसलिए हम क्या करेंगे एक वॉकअप देखेंगे उसके बारे में सभी उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखने की कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो समझ में आए ऐसी कोशिश करेंगे ये हमारा पहला वीडियो है आज से हम डेली वॉकैप का सेशन लेने वाले हैं तो चलिए तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है इमार्क इमारक ईमार का मतलब क्या होता है तो ईमार का मतलब होता है विशेष प्रयोजन के लिए रखना देखिए हम क्या करते हैं कुछ बातें ऐसी होती है कि वो आ, फ्यूचर में हमें काम आए इसलिए क्या कहते हैं उसको रिजर्व करते हैं उसको फ्यूचर में प्लान किया होता है जैसे कि गुल्लक है इस गुल्लक गुल्लक में क्या रखते हैं हम पैसे रखते हैं किस बात के लिए रखते हैं कुछ विशेष काम से जैसे कि बहन की शादी के लिए पैसे रखते हैं किसकी ऑपरेशन के लिए किसके पढ़ाई के लिए ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं हमारे विशेष प्रयोजन होते हैं तो उनको क्या किया जाता है ईमार्क कहा जाता है क्या कहा जाता है तो ईमार्क कहा जाता है उसके बाद इसका अगर हम आ, देखेंगे तो इसको हम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं टू चूज समबडी और सम थिंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर अगर हमें फ्यूचर में कुछ करना है उसके लिए आ, क्या करना है कुछ बातों को क्या करना है प्रयोजन के लिए रख लेते हैं जैसे कि इसके सिनोनिम्स होते हैं डेडिकेट उसके बाद डी ओट उसके बाद अलोकेट उसके बाद रिजर्व और सेट अपार्ट ये सभी सिनोनिम्स ईमान इस वर्ड के हैं डेडिकेटेड उसमें से सबसे बढ़िया वाला जो सिनोनिम्स है जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है वो है डिवोट ये दो नंबर का जो सिनोनिम्स है डिवोट ये बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है यानी कि डेडिकेट होना या फिर डिवोट होना या फिर इमार्क होना एलोकेट होना रिजर्व होना इस सभी के सभी क्या है इस इमार्क के क्या है सिनोनिम्स है सभी का मतलब सेम ही आता है और अगर इसके एंटोनिम्स के बारे में अगर देखेंगे तो इग्नोर जो है इग्नोर क्या कहा जाता है हम ध्यान नहीं देते उसको उसको इग्नोर कहते हैं इग्नोर यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है उनको विशेष रूप से प्रयोजन के लिए नहीं रखा जाता इसलिए इसको इग्नोर एंटोनिम्स के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा तो चलिए तो आपने क्या किया पहला जो हमारा वर्ड था वो था इमार तो इमार का मतलब क्या है विशेष प्रयोजन के लिए रखना उसके लिए क्या है हमारे पास सिनोनिम्स है डेडिकेट डी ओट एलोकेट रिजर्व एंड सेट अपार्ट इस सभी से के सभी क्या है सिनोनिम्स ऑफ इमार्क है चलिए तो फिर इस जो गुल्लक है उस गुल्लक से आपको पता चलेगा गुल्लक क्या करते हैं हम विशेष प्रयोजन के लिए रखा जाता है इसलिए इमार्क आपको ध्यान में आएगा कि हाँ विशेष प्रयोजन के लिए हमने इसको रखा है चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो वकैप का वर्ड है बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है ये है सस्टेन क्या सॉरी अपस्टेन है अपस्टेन अपस्टेन का मतलब क्या आता है टू स्टॉप yourself सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू un उन बातों को जो आप kar rahe hain un उन बातों को क्या करना उन बातों को करने से रोकना खुद को उसको क्या कहते हैं अपस्टेंड कहते हैं अब अपस्टेंड है. के बारे में अगर हम जाएंगे जैसे कि बच्चे देख रहे हैं मीम्स में कि इनको पिज़्ज़ा क्या है बहुत पसंद है लेकिन क्या उनको रोका गया है पिज़्ज़ा खाने के लिए क्योंकि हेल्थ uh, प्रॉब्लम के कारण क्या किया जाता है रोका जाता है जैसे कि अल्कोहल ड्रिंक करते हैं सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करते हैं लोग उनको वो पसंद आता है वो उनको इंजॉय करते हैं लेकिन क्या किया जाता है उनको रोक लगाई दी जाती है तो उसको ही हम क्या कहेंगे एप्सटेन कहेंगे तो अप्सटेन के लिए अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे तो है एपजीआर हॉर बीअर हॉर गो रिफ्रेन विथ होल्ड इस सभी के सभी क्या है एप्सटेंट के सिनोनिम से बहुत बार एग्जाम में आ चुका है उसके फॉर्गो का सिनोनिम्स पूछा जा चुका है और है वो है अप, बहुत ही एस एस सी और बैंकिंग के एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, ये क्वेश्चन है देखिए प्योटोल और विंज ऑन इसका मतलब क्या होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण इस बात को क्या बहुत महत्वपूर्ण अगर कहा जाए यानी हाइटली इम्पोर्टेंट उसको क्या कहा जाता है प्योटल कहा जाता है हिज ऑन का मतलब होता तो है टू डिपेंड ऑन किसी और पे डिपेंड होना वाइटली इंपॉर्टेंट का मतलब है प्योटल तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि देखिए ये जो नेम्स लगाई है जरूरी था जरूरी था मतलब क्या प्योटल और जो सॉन्ग है आ, इस सॉन्ग में कहा गया था बिछड़ना भी जरूरी था मिलना भी जरूरी था कि जरूरी था मतलब वो पी था ये एग्जाम में बहुत बार देखा गया है इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो क्रिटिकल क्रिटिकल भी का मतलब भी क्या होता है महत्वपूर्ण होता है क्रूसियल जैसे कि एक आधा आदमी होता है वो एक आधा रोल प्ले करता है तो उसको क्या कहते हैं क्रूसियल रोल उन्होंने प्ले किया था यानी कि महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था की सभी लोगों को मालूम है वाइटल भी सभी लोगों को मालूम है वाइटल का मतलब भी क्या है महत्वपूर्ण होता है अधिक होता है की का मतलब भी क्या वो महत्वपूर्ण ही होता है जैसे कि की फैक्टर फैक्टर महत्वपूर्ण कहते हम वैसे ही प्योटल तो पियोटल का सिनोनिम्स आप सभी को मालूम हुआ होगा तो मेरे साथ ही आप कह दीजिए कि प्योटल का पहला मतलब है क्रिटिकल दूसरा मतलब है क्रूसियल और तीसरा मतलब होता है की और चौथा वाइटल वाइटल यानी कि सभी का मतलब क्या होता है प्योटल प्योटल मतलब वाइटली इम्पोर्टेंट वो क्या जरूरी था इस सॉन्ग को बहुत लोगों ने सुना होगा तो इस सॉन्ग को अगर आप ध्यान में रहेंगे तो हाँ जरूरी था जरूरी था मतलब प्योटल था अगर इसका एंटोलिम्स अगर देखेंगे तो अनइम्पॉर्टेंट जिसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं उसको क्या हो जाता है अनइम्पॉर्टेंट और अनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट ही नहीं उसका कुछ तो उसको क्या कहा जाता है इनसिग्निफिकेंट तो ये सभी के सभी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है तो अब आपको ध्यान में रहेगा तो प्योटल का मतलब क्या होता है ज़रूरी था यानी फिर आ, हम उसको कहते ही वाइटली इंपॉर्टेंट अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है उसकी सिनोनिम्स भी देखे हमने उसको क्या करना है आपको रिपीट रिपीट करना है जितना आप रिपीट रिपीट करोगे उतना आपके ध्यान में आएगा तो चलिए नेक्स्ट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ये कोप तो कोप ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है तो कोप के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये कंफ्यूज करने वाला वर्ड है इसका मै मतलब क्या होता है टू मैनेज वन रिक्वायरमेंट टू कवर और कंसील लाइक अ पीस ऑफ क्लोथ यानी कि इसका uh, सबसे आसान मतलब क्या है तो सामना करना सामना करना या फिर ढक लेना उसको आ, जैसे कि ओढ़ लेना उसको मैनेज कर लेना सर्वाइव कर लेना इन सभी को आ, क्या कोप कहा जाता है कॉप के अलग अलग मतलब भी आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे बढ़िया मतलब क्या आपको ध्यान में रखना है सबसे बढ़िया मतलब ये ध्यान में रखना है कि व्हील करना श्राउट करना क्लॉक करना श्राउट करना मतलब किसी का को Uh, क्या करते हैं उसको कवर कर लेना ऐसे भी कहा जाता है श्राउड होता है जैसे कि व्हील व्हील का मतलब भी कवर करना होता है मास मास का मतलब भी हम कवर करते हैं उसके बाद मैनेज ये इंपॉर्टेंट है मैनेज और सर्वाइव मैनेज और सर्वाइव इस मीम में आप देखो कि हाउ आई कोप विथ द एंड ऑफ सेमिस्टर स्ट्रेस जो सेमिस्टर का एंड का जो स्ट्रेस होता है उसको मैं उसका मैं सामना कैसे करूँ इसका यही मतलब है तो उसको मैनेज कैसे करो, उसको सर्वाइव कैसे करो, इसका मतलब ही क्या होता है कोप होता है अगर हम उसके बारे में अगर एंटोनिम्स के बारे में सोचेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एंटोनिम्स ऑफ कोप्स है फेल उसके बाद फॉल आउट कोलैप्स कोलेप्स आने की कुछ सामना नहीं करना फेल हो जाना फेल फॉल शॉर्ट कर देना या फिर कोलैप्स कर देना इस सभी का क्या है एंटोनिम्स है किसके कोप्स के तो आपको कोप मालूम हुआ कोप का मतलब क्या होता है तो कोप का मतलब होता है आप सामना करना या फिर किसी बात को ढक लेना आ, जैसे कि वो इम्पोर्टेंट जैसे कि श्राउड देखा होगा आपने वो कैसा होता है इम्पोर्टेंस होता है टू मैनेज वन रिक्वायरमेंट अपनी खुद की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करना मैनेज करना उसको क्या कहा जाता है कोप कहा जाता है डू अंडरस्टैंड नाउ आपको मालूम होगा कि हर एक स्टूडेंट का क्या होता है सेमिस्टर का एंड का पेपर होता है तो इस पेपर में क्या होता है उसको ट्रेस आ जाता है फिर उसको कोप कैसे करता है ये बात इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में आएगा हाँ सेमिस्टर का जो लास्ट सेमिस्टर का एग्ज़ाम होता है उसका जो कोप करते हैं हम है, यानी कि मैनेज करते हैं या फिर उसका सामना करते हैं स्ट्रेस को आ, न, क्या करते हैं कम करते हैं तो यही क्या है हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है कोप के तो आपको सभी को ध्यान में रखना है अगर कोप वर्ड आए तो सिनोनिम्स क्या है वेल्स है श्राउड है क्लॉक है मास है फॉल है मैनेज है सर्वाइव है और सभी सभी लोगों को मेरे ये रिक्वेस्ट है कि जितना आप इसको पढ़ोगे उतना ही आपके ध्यान में आएगा क्या होता है इंग्लिश हमें वैसे ही नहीं आती हमको क्या करना पड़ता है रीड करना पड़ता है राइट करना पड़ता है टॉक करना पड़ता है उसके बाद लिसन भी करना पड़ता है इस सभी बातों को करने के बाद हमको क्या इंग्लिश में परफेक्शन आएगा और एग्ज़ाम के लिए अगर हम तैयारी कर रहे होंगे तो सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमें मालूम होने चाहिए तो चलिए अभी तक तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए उसके साथ ही साथ आप क्या कीजिए ये काम कीजिए वो काम क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए चलिए अगला सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी कि अगला वोकैबुलरी का वर्ड हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एसएससी में और बैंकिंग आई में बहुत बार पूछा जा चुका है वो वर्ड है लाइसेंसियस तो लाइसेंसी का मतलब होता है अनैतिक ये जो शक्ति कपूर यहाँ पर देखेगी आओ मजा आ गया ये जो शक्ति कपूर यहाँ पर देखे इस शक्ति कपूर को देखते ही आपको पता चलेगा कि अनैतिक का जब भी मूवीज़ का सीन स्टार्ट होता है या फिर शक्ति कपूर का एंट्री होती है तो सभी लोग क्या करते हैं समझ जाते अब कुछ अलग होने वाला है शक्ति कपूर की नीम से आपको पता चलेगा कि लाइसेंसियस का मतलब क्या होता है अनैतिक शोविंग कम्प्लीट लैक ऑफ मॉरल डिसिप्लिन और स्टैंडर्ड जो हो हमारी मॉरल डिसिप्लिन होती है या फिर स्टैंडर्ड होता है उसको कंप्लीट लैग उनके मतलब सब नैतिकता का लैग होना का मतलब ही लाइसेंसीस होता है यानी अने कि अनैतिक अनैतिक अगर इसके सिनोनिम्स हम देखेंगे तो पहला सिनोनिम्स है आपके पास सुपर सिनोनिम्स है लस्टफुल उसके बाद है सेलेसियस उसके पास से लिचरस उसके पास से लेसिवियस उसके पास है ल्यूट और इस सभी के सभी जो है सिनोनिम से लाइसेंसियस के लाइसेंसियस का मतलब क्या होता है अनैतिक अनैतिक यानी अने कि जिसको मॉरल डिसिप्लिन स्टैंडर्ड का क्या हो जिसमें लैक हो उसको क्या जा कहा जाता है तो उसको कहा जाता है लाइसेंसियस उसके बाद अगर इसके एंटोनिम्स के बारे में अगर हम जानेंगे तो एंटोनिम है वर्चुअस चास्ट मोरल यानी कि मोरल यानी कि नैतिक अगर हम कहेंगे तो उसको क्या कहा जाता है उसका एंटोनिम्स कहा जाता है स्टैंडर्ड होना डिसिप्लिन होना मोरल स्टैंडर्ड होना मोरल डिसिप्लिन होना उसको क्या कहा जाता है उसको नैतिक कहा जाता है तो नैतिक का मतलब क्या होता है अच्छा अच्छापन नैतिकता मॉरेलीटी होना उसको क्या जा कहा जाता है नैतिक तो आपको लाइसेंसियस कोई शक्ति कपूर का, का चेहरा फेस आपको ध्यान में आना चाहिए कि हाँ लाइसेंसियस लाइसेंसीस का मतलब अनैतिक अनैतिक के लिए सिनोनिम्स एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए वो है पहला है लस्ट फूल और इंपॉर्टेंट उसके बाद है सेलेसियस लचरस त्यान उसके बाद अगर हम देखेंगे लेसिवियस और ल्यूड ल्यूड जो सिनोनिम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर इसके एंटोनिम्स के बारे में अगर हम बोलेंगे तो मेरे साथ आप रिपीट कीजिए वर्चुअस चास्ट और मोरल क्या होता है जितना आप रिपीट करोगे उतना ही आपको क्या होगा उस सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर पकड़ बन जाएगी और जब पकड़ बन जाएगी तब हम अच्छी तरह से उसको डील कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट सिनोनिम्स देखिए अगला वर्ड है हमारे पास डिसिसिव डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक निर्णायक यानी कि जो ही आदमी फुली कमिटेड टू द गोल होता है अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में देखेंगे फुली तो कमिटेड अब सभी आप लोग जो कुछ एस एस सी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ आई बी पी एस की कर रहे हैं कुछ रेलवे की कर रहे हैं कुछ एम पी एस सी तलाटी व्हाट एवर द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेरिंग यू ऑल आर डिसिसिव मतलब आपका कुछ गोल है और उस गोल के लिए आप क्या हो कमिटेड हो या फिर उस आपका जो ड्रीम है उसको क्या परस्यू कर रहे हो आप उसके परस्यू करने के लिए आपके पास पावर भी है तब उसको क्या कहा जाता है डिसिसिव किया जाता है निर्णायक कहा जाता है उसका अगर सिनोनिम हम देखेंगे तो पहला सुपर सिनोनिम है हमारे पास रिसोलूट तो रिसोलूट क्या है सबसे पहला सिनोनिम है उसके बाद डिटरमाइन डिटरमाइन सभी लोगों को मालूम होता है डिस का मतलब क्या होता है निर्णायक होता है डिससिव होता है कन्विंसिंग होना या फिर क्या होता है कंपेलिंग होना इस सभी के सभी क्या है सुपर सिनोनिम्स ऑफ द डिशिव इस वर्ड के क्या है सिनोनिम्स है तो देखिए डिसिव का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया निर्णायक इस मीम को देखते ही आप समझ जाओगे कि बराक ओबामा है बराक ओबामा क्या है यू आर डिसिसिव हमें बोल रहे हैं जो भी आप वीडियो देख रहे हो आपको बोल रहे यू आर डिसिसिव आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप क्या है निर्णायक है डिसिसिव है आप क्या कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए कमिटेड हो उस गोल के लिए फुल्ली कमिटेड हो अगर इसका निर्णायक यानी कि डिसिसिव का अगर हम एंटोनिम्स देखेंगे तो शेकिंग है हेजिटेंट है सुपीसीस है यानी कि निर्णायक न होना उसका मतलब क्या होता है निर्णायक न होना इतना आ, मतलब आपने सिर्फ गोल सेट किया है लेकिन आप उसके लिए फुली कमिटेड नहीं हो आपका ड्रीम है आप लेकिन उसको परचीव नहीं कर रहे हो उसको क्या कहा जाता है शेकिंग कहा जाता है हेजिटेंट कहा जाता है सुपे सस्पेसियस कहा जाता है देखिए आई में और एस में डायरेक्ट सिनोनिम पूछे जाते हैं और उसके बाद अगर हम बाकी ये हो क्या का यूज़ अगर करेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं तो डिसिसिव का मतलब क्या होगा आपको अब आप समझ में आएगा डिसिसिव का मतलब है डिटरमाइन होना उसके बाद आपको क्या होना आपके गोल के लिए फुली कमिटेड होना उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपली होना कन्विंसिंग होना रिजोल्ट होना इस सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है डिसिसिव वर्ड के अब अब सुपर हॉट सिनोनिम्स आपके सामने है सिनोनिम्स यानी कि वकेबलर वक्यादल है वकेबलरी में आपको ये वर्ड है टिमिंग टिमिंग का मतलब क्या होता है भरा हुआ होना जैसे कि ये बैग देख रहे हैं आप ये बैग कैसे है पैसों से भरा हुआ है ये जो ग्राउंड देख रहे हो ये क्या लोगों से भरा हुआ है तो इनके लिए क्या है अगर हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में देखेंगे तो क्या कवर विद द ग्रेट नंबर ऑफ अमाउंट्स अब क्या वो पूरा से पूरा भरा हुआ होगा तो उनको क्या कहा जाता है टिमिंग कहा जाता है जैसे कि इसके सिनोनिम्स के अगर बारे में देखेंगे तो थ्रॉडनिंग तब थ्रांचिंग थ्रांचिंग का मतलब भी क्या होता है भरा हुआ होता है एक आदि क्या होता है मीटिंग होती है सभा होती है जब इलेक्शन की सभा होती है कि प्रोटेस्ट होता है कुछ भी होता है लोग वहाँ पर क्या होते हैं भर जाते हैं तो जहाँ पर लोग भर जाते हैं उसको क्या कहा जाता है थ्रॉचिंग ये देखिए ये व्हाइट हाउस के सामने लोग उद्घाटन के लिए व्हाइट हाउस का इनाग्रेशन था उसके लिए लोग क्या हो गए थे थ्रॉन्चिंग हो गए थे यानी कि वहाँ पर ग्राउंड में भर चुके थे स्वार्मिंग, स्वार्मिंग ये टर्म आपको मालूम होनी चाहिए हनी के रिलेटेड सब हनी बीज कैसे रहते हैं भरे हुए रहते हैं एक साथ रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है स्वार्मिंग बस्टिंग उसके बाद ये सभी को मालूम है अबंधन का मतलब क्या होता है भरा हुआ होना बहुत सारी मात्रा में होना इस सभी को क्या कहा जाता है तो टीमिंग के सिनोनिम्स कहा जाता है सुपर हॉट सिनोनिम्स से एक बार मेरे साथ उसको रिपीट कीजिए तो पहला सिनोनिम्स है आपके लिए थ्रॉन्जिंग दूसरा है सोमिंग उसके बाद है वर्स्टिंग उसके बाद है ये सभी के सभी सुपर हॉट सिनोनिम्स है और सभी के सभी इंपॉर्टेंस हैं उसके बाद इसके एंटोनिम्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो सभी को मालूम है डिवॉइड मुझे खाली होना बैरन दैरन मतलब उस पर वो फर्टाइल नहीं है फर्टाइल नहीं है यानी कि रिका रिकाम ही है उसके बाद वाइड वाइड का मतलब खाली करना तो वाइड का मतलब क्या है खाली करना एक सुपर एंटोनिम्स ऑफ द टीमिंग वर्ड है सभी की सभी सुपर हॉट सिनोनिम्स हैं आप अभी सभी लोगों को मेरा एक निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली आपको ऐसे ही सुपर सुपर हॉट सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे सुपर हॉट सिनोनिम अब आपके सामने है उसका एस्केलेटिंग इसके स्केलेटिंग स्केलेटिंग का मतलब बढ़ना बढ़ना इस ग्राफ में आप देख रहे हो ग्राफ कैसा हो रहा है बढ़ रहा है स्केलेट हो रहा है जैसे कि सिनोनिम्स अगर हम देखेंगे तो रॉकेट रॉकेट कैसा होता है रॉकेट ग्राउंड से ऊपर चला जाता है तो क्या हो वो बढ़ने की क्या है साइन है तो रॉकेट भी हम कह सकते हैं रॉकेटिंग परफॉर्मेंस यानी कि बढ़ता हुआ परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं उसके बाद शूटअप उसके बाद सर्च सर्च यानी कि एकदम से क्या होना ऊपर जाना उसके बाद माउंट माउंट मालूम है माउंट एवरेस्ट माउंट का मतलब क्या होता है चोटी पर चोटी बोलते हैं हम उसको माउंट को तो उस माउंट का मतलब भी क्या होता है तो बढ़ना होता है इस सभी की सभी क्या है सुपर हॉट सिनोनिम से स्किल इस तो स्केलेटिंग मेरे साथ आप कहिए तो पहला सिनोनिम्स क्या है रॉकेट 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 आपको क्या होना है सभी को सभी इसका अभी के अभी रिसाइट कर लेना है तो स्केलेटिंग का मतलब क्या होता है बढ़ना बढ़ना उसके बाद है रॉकेटिंग रॉकेट रॉकेट पहला सिनोनिम दूसरा सिनोनियम शूटअप तीसरा है सर्च माउंट सर्च माउंट सर्च माउंट ये सभी के सभी क्या है स्केलेटिंग के क्या है सिनोनिम से। अगर इसको अगर हम एंटोनिम्स देखेंगे तो स्केलेटिंग का मतलब बढ़ना तो एंटोनिम्स क्या होगा तो घटना या फिर कम होना जैसे कि डिक्री सभी को मालूम है डिमिनी सभी को मालूम है ड्विडल रिसीड तो ये क्या है रिसीट का मतलब कम हो जाना ड्विंडल का मतलब नीचे चले जाना तो ये सभी के सभी क्या है एंटोनिम्स है किस वर्ड के इसका लेटिंग के एंटोनिम्स है सभी के सभी सुपर हॉट सिनोनिम्स है उसके बाद हम नेक्स्ट सिनोनिम्स देखते हैं देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसबर्सल डिसर्सल का मतलब सविनतरण सव सविनतरण मतलब क्या देखिए ये इसम में, में आपको सब पता चलेगा तो डिसबर्सल का मतलब होता है ये जो हमारी प्रोडक्ट होती है प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम कंपनी से निकाल कर गाड़ी में भरते गाड़ी में भर कर उसका क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है डिसबर्सल संवितरण उसके बाद हम अलोकेट करते हैं अलोकेशन कहा जाता है इंश्योरेंस को भी हम क्या कहते हैं इंश्योरेंस दिया जाता है इंश्योरेंस का मतलब भी क्या होता है डिस

ध्यान में रहेगा तो पहला सिनोनिम्स क्या था हमारा डिसबर्सल का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा एलोकेशन तीसरा इंश्योरेंस ये सभी की सभी सुपर हॉट सिनोनिम्स हैं जैसे ही हमने हमारे वीडियो के थंबनेल में बताया था कि आपको डेली डोज भी दिया जाएगा करंट अफेयर का तो इस करंट अफेयर के डोज में ये हमारे पास अब आ गया है आज की पेपर की कटिंग द हिंदू न्यूज पेपर की कल की कटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसकी हेडलाइन हम पढ़ते हैं कि मोदी हसीना ओपन 131.5 किलोमीटर ऑयल पाइपलाइन टू बांग्लादेश ये जो हेडलाइन है ये हेडलाइन में ही आपको पता चलता है कि आपको क्या है कि इस करंट अफेयर में आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑयल पाइपलाइन है जो कहाँ से भारत से बांग्लादेश जाएगी भारत के आसाम राज्य से लेकर वो बांग्लादेश जाएगी तो इस पाइपलाइन की लेंथ क्या है तो वो क्या है वन किलोमीटर इतनी क्या है उसकी लेंथ है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको इस न्यूज को पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो देखिए झूम करके हमने देखा है सभी की सभी न्यूज आपको पढ़ सकते हो आपको मैं मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा उसके बाद अगर आपको पढ़ने हो तो आप अजने करियर अकेडमी इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इस पी को पी को क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो फिर आराम से पढ़ लीजिए तो चलिए तो क्या है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज बांग्लादेश काउंटर पार्ट शेख हसीना ऑन सैटरडे वर्चुअली इन दिनेड द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन दैट विल ब्रिंग डीजल फ्रॉम आसाम निमाली रिफाइनरी मार्केट ंग्लादेश इस सभी के सभी क्या है बहुत बड़ा पैराग्राफ है ये इस पैराग्राफ को क्या करना है आपको रीड करना है रीड इसलिए करना कि आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकता है इससे उसके साथ ही साथ आपके जो वर्ड है नए नए वर्ड आपको पढ़ने में आते हैं उसके बाद आपको इंग्लिश क्या होती है अच्छी लगने लगती है इसलिए इस आ, क्या ये एक क्या है हमारी एक कोशिश है कि बच्चों को क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा हो क्या उनके पास आ जाए तो चलिए तो आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए इतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि सभी दोस्तों को क्या हो जाए इस सेशन के बारे में मालूम पड़े ये हमारा आज का पहला सेशन था कल हम नए सेशन के साथ आएंगे उसमें भी धासु बहुत इम्पॉर्टेंट क्या देखेंगे करंट अफेयर के वर्ड जो करंट अफेयर के जिके हो वो भी देखेंगे उसके साथ ही साथ हमारी जो होकबले हो कैबला करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे आपको पढ़ाएंगे तो चलिए तो आपको क्या करना है इस वीडियो को शेयर करना है सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो